जो ये वीडियोस देख रहे हैं सब यंग माउंटेनियर्स एंड एस्पायरिंग क्लाइंबर्स है. वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग एंड ऑलरेडी इमेज खराब होने आ रही है, ऑलरेडी इमेज खराब हो गई है. सो इस इमेज को ठीक करना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर अभी. तो लेट्स बी वाइज, लेट्स बी अवेयर एंड लेट्स नॉट रन बिहाइंड द सुपरफिशियल ग्लोरी जो एवरेस्ट चढ़ के या कोई पहाड़ चढ़ के मिलता है. एंड मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप एकदम अटेंशन के साथ देखो एंड मैं जिस लेवल से बात कर रहा हूँ उस लेवल पे जाके सुनना है इसको, उस लेवल से कनेक्ट करना, तभी जाके मेरा पॉइंट पकड़ में आएगा. एंड अगर पॉइंट पकड़ में आ गया तब कुछ कमाल का होगा. So most of the deaths that happened on Everest and other 8,000 meter mountains in 2019 were of Indian people. And because of these incidences happening every year, unfortunately, the Indian mountaineering community, unka naam itna kharab ho raha hai in the world of mountaineering. Nobody wants to climb with an Indian mountaineer. मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ आपको. देर वॉज अ यूरोपियन गाय हु वॉज गोना अटेम्प्ट अन्नपूर्णा इन स्प्रिंग 2020. आई आस्क्ड हिम कि कैन वी गो टूगेदर बिकॉज वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं एंड वी नीड टू बिल्ड अ वेरी गुड टीम. ही वॉज लाइक नो आई डोंट क्लाइम विद इंडियंस. दिस वॉज लाइक अ कंप्लीट शॉकर टू मी. आई न्यू कि हम बदनाम हैं बट खुद पे जब आया तब मुझे रियलाइज हुआ एंड मुझे तभी मैंने सोचा था कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है बिकॉज इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है. मोस्ट इंडियंस हु डाइड ऑन एवरेस्ट दिस ईयर उनका मैंने लास्ट फ्यू आवर्स एंड लास्ट फ्यू डेज स्टडी किया एंड उससे एक चीज़ समझ में आई मुझे. एंड दिस माइट साउंड वेरी वेरी इनसेंसिटिव नाउ but it is an absolute truth which needs to be spoken. I don't see any other Indian mountaineer openly speaking about this. I know I'm gonna get a lot of hate from a certain segment of people, but here it is. The deaths on Everest this year were very very avoidable. The reason which people give for this year's disaster is the traffic jam. Agreed. Traffic jam above 8,000 meters can be a very, very, very dangerous thing, okay? And I'm speaking from experience. While coming down from the step 3, I climbed Everest from the north side. So while coming down, I had to wait on the step 3 section for around 20 minutes. And no 20 minutes, mein mere haath pair kaise ho gaye the, mujhe pata hai. So I am very well aware of what I am saying, okay? There were other Western mountaineers that I know of. For example, Ilya Cycli. When he was in Mumbai, I heard his speech. And usme he told us ki he was unclipping from the fixed lines and climbing next to the line of the crowd. Now what does this say? He was ready for whatever situation was gonna come. So kahin na kahin hamara mountaineering experience utna nahi tha ki kuch bhi ho to hum usko tackle kar paaye. And dusra ek reason maine wahan pe dekha, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट इट वॉज शीयर एरोगेंस विच किल्ड द इंडियन बॉय. हिज शेरपा वॉज टेलिंग हिम टू टर्न अराउंड 200 मीटर्स बिलो द समिट बिकॉज ही वॉज अ लिटिल स्लोअर एंड इफ ही हैड कंटिन्यूड ऑन द ऑक्सीजन सिलेंडर वुड बिकम एम्प्टी एंड ही वुड नॉट मेक इट बैक सेफली. जब उसके शेरपा ने उसको ये बोला, पता है उसने उसके शेरपा के साथ वहाँ 28,000 फीट पे झगड़ा करना स्टार्ट किया. नाउ दिस इज द स्टूपिडेस्ट लेवल अ माउंटेनियर एट एवरेस्ट कैन बी इन. ठीक है, रिस्किंग योर लाइफ एंड योर शेरपाज लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ समिट, दिस इज द मोस्ट अनएक्सेप्टेबल थिंग दैट कैन एवर हैपन इन द माउंटेन्स. एंड ये क्यों होता है? It is a clear byproduct of lack of mountaineering experience and awareness. And मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैंने actually एक वीडियो भी बनाया था, that summit is never the goal. In my previous mountaineering expeditions, I had gotten so close to death that I had to turn around and
तभी एग्जिस्टेंशियली वो मालूम पड़ा मुझे, एग्जिस्टेंशियली एंड एक्सपीरियंशियली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली नहीं, ये इंफॉर्मेटिव बात नहीं है ये जो मैं कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये एक चीज़ जानी कि मरना इज नॉट वर्थ इट फॉर एनी माउंटेंस. पहाड़ है क्या? इट इज़ जस्ट अ पाइल ऑफ रॉक एंड आइस. एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक, ये वो हमने ग्लोरीफाई कर रखा है हमारे माइंड में. तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग किसी में नहीं होती, तब तक उसको एवरेस्ट जाना ही नहीं चाहिए. ही विल डाई एंड ही विल किल अदर पीपल. मैं ये बहुत आज डायरेक्टली बोल रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स नीड्स टू बी सेड, ओके. एंड तीसरा फैक्टर मैंने देखा कि कुछ लोग ट्रैफिक जैम में थक गए थे. नाउ आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बीन अप देयर कि कितनी थकान होती है. बट जब भी थकान हो रही है तुम्हें, दैट इज एग्जैक्टली वैन योर माइंड नीड्स टू टेक ओवर योर बॉडी एंड यू शुड मेंटली टेक दैट नेक्स्ट स्टेप. एंड अगर आप फिजिकली एंड मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हो कि जब एक आउंस ऑफ एनर्जी भी नहीं बची है आप में, तभी भी आप एक स्टेप के आगे एक स्टेप रख सको, तब तक पहाड़ों में जाने की सोचनी ही नहीं चाहिए. एंड आज मैंने सोचा कि दीज पॉइंट्स नीडेड टू बी एड्रेस्ड. सो आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू नो जो ये वीडियोस देख रहे हैं सब यंग माउंटेनियर्स एंड एस्पायरिंग क्लाइंबर्स है. वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग एंड ऑलरेडी इमेज खराब होने आ रही है, ऑलरेडी इमेज खराब हो गई है. सो इस इमेज को ठीक करना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर अभी. तो लेट्स बी वाइज, लेट्स बी अवेयर एंड लेट्स नॉट रन बिहाइंड द सुपरफिशियल ग्लोरी जो एवरेस्ट चढ़ के या कोई पहाड़ चढ़ के मिलता है. इट इज़ नॉट वर्थ इट. सो येस, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर इट विद द ट्रेकिंग एंड माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर कम्युनिटी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, so that this seed of being responsible and aware and not you know hamare indian community ko badnaam nahi karna hai and usse badi cheez wahan ja ke marna nahi hai, wahan ja ke ungliyan nahi khoni hai, theek hai. and I hope this video shifts a little perspective, a little understanding about what mountaineering needs to be and how you need to approach mountains, theek hai. एंड आई एम वेरी ग्लैड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, तो आई एम वेरी ग्लैड यू सॉ द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.